तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आपका स्वागत करता हूँ TYG सॉफ्टवेयर ग्रुप को फ्रेशन कमाल के सभी शूट के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पोको X2 और वन प्लस 60 में कौन सा फोन बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो वन प्लस 60 वो एक्चुअली पोको F1 का कंपटीटर था। और मेरे एक व्यूअर ने मुझसे बोला कि भाई एक वीडियो बनाओ पोको X2 वर्सेस वन प्लस 60 के ऊपर, एंड बताओ कि दोनों में कौन सा फोन बेस्ट है, क्योंकि जो वन प्लस 60 है ना वो काफी कमाल का फोन है। एंड पोको X2 अभी आपका न्यू फोन है जो कि आपका पोको का दूसरा फोन है, मतलब पोको 2 साल बाद वापस आया है उस फोन के साथ। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन तो आता है कि भाई पोको X2 ज्यादा अच्छा है या फिर वन प्लस 60। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं दोनों फोन के बारे में, और इन दोनों फोन का एक स्पेसिफिकेशन कंपटीट करेंगे, मतलब इन दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन होंगे, इसके तौर पर इन दोनों फोन की बैटल कराएंगे और देखेंगे जिस फोन की स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छी होंगी वो फोन आपका विनर होगा। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उस बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे दोनों फोन के स्क्रीन साइज के साथ। तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस्ड है 395 PPI पर और एक IPS LCD वाला पैनल है। वहीं आपको वन प्लस 60 मिलता है 6.41 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस्ड है 402 PPI पर और आपका एक गाइस ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले। जी हां दोस्तों, इसमें भी आपको ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि डिस्प्ले कोड जो वन प्लस 60 है ना वो आपका पोको X2 से ज्यादा बेहतर है। बट दोस्तों, आपको ये बता देता हूँ कि जो पोको X2 है ना वो आपका 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि जबकि आपका जो वन प्लस 60 है वो आपका नॉर्मल है, मतलब कि जो 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होता है उसी के साथ आता है। एंड दोस्तों, इसके आगे बात कर ले दोनों फोन के प्राइस के बारे में, तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलता है करीब 20,000 का 8GB रैम 256GB की इंटेल मेमोरी के साथ, वहीं आपको वन प्लस 60 मिलता है करीबन 32,000 का 8GB रैम और 256GB की इंटेल मेमोरी के साथ, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सीधे डबल का अंतर आ जाता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग पोको X2 आपका सबसे बेहतरीन फोन लगा मेरे को। एंड इसके आगे बात कर ले दोनों फोन के कैमरे के बारे में, तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलते हैं 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेट है, वहीं आपको वन प्लस 60 मिलता है 60+20 मेगापिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा सेट है। तो दोस्तों, कैमरा के अकॉर्डिंग पोको X2 आपका एक अच्छा फोन हो जाता है। एंड कुछ बातें वीडियो के एंड में करेंगे। इसके आगे बात कर ले दोनों फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलता है 20+2 मेगापिक्सल के डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिलते हैं, और वहीं आपको वन प्लस 60 मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि आपका वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आता है। एंड दोस्तों, इसके आगे बात कर ले इन दोनों फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलता है 4500 mAh का बैटरी बैकअप, वहीं आपको वन प्लस 60 में मिलता है 3700 mAh का बैटरी बैकअप, और वहीं आपका पोको X2 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और आपका वन प्लस 60 पर डैश चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि 28 मिनट में करीब फोन 50% चार्ज हो जाता है। एंड इसके आगे बात कर ले दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं, जहां आपको पोको X2 मिलता है स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर, जो कि बेस्ड ऑक्टा कोर के ऊपर, वहीं आपको वन प्लस 60 मिलता है स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर, जो कि बेस्ड ऑक्टा कोर के ऊपर। अब दोस्तों, कौन सा फोन बेस्ट है? तो दोस्तों, जो भाई बेस्ट फोन है वो है आपका पोको X2, क्योंकि जो पोको X2 उसका प्राइस भी काफी कम है, एक अच्छा ब्रांड है, और भाई वन प्लस भी काफी अच्छा ब्रांड है, ऐसा नहीं बोलूंगा। एंड दोस्तों, जो प्रोसेसर है ना वो आपका काफी आगे है, क्योंकि जो आपका स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर है वो आपका 845 वाले प्रोसेसर की नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि जो आपका पोको F1 है उसमें आपको मिलता है 845 वाला, जबकि आपको X2 में 730G वाला मिल रहा है, मतलब काफी कमाल की बात है। और सबसे अच्छी मुझे लगी कि इस फोन आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में डुअल पंच होल डिस्प्ले वाले कैमरा मिल रहे हैं, मतलब कि भाई फोन हर चीज में आगे निकल रहा है, चाहे आप कैमरे में देखो, चाहे चार्जिंग में देखो, चाहे बैटरी बैकअप, चाहे प्रोसेसर। तो दोस्तों, मेरे रिकॉर्ड है आपको पोको X2 लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ में उस बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।